नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत। में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि बीजापुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद सीएम ने जगदलपुर में रोड शो किया। सीएम के रोड शो के जरिए भाजपा जगदलपुर में शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सीएम के रोड शो की शुरुआत माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट से हुई। जगह जगह लोगों ने सीएम और भाजपा प्रत्याशी का स्वागत फूल मालाओं के साथ किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन क्या बोलेंगे? इस बार कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। जिस तरह से वातावरण दिख रहा है, लगातार कांग्रेस छोड़ छोड़ कर बड़े बड़े लोग भी आज हजारों की संख्या में आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार सिलसिला जारी है। तो इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी। सचिन पायलट जी का बयान है कि ये भाजपा जो है यह भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब इनके पास कहने के लिए कुछ भी है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। सर, सचिन पायलट जी का कहना है कि देश की जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए। इसलिए 2023 में उनको सरकार से मतलब हाथ धोना पड़ा, सरकार से जनता आउट कर दी और ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। और इस बार लोकसभा के चुनाव में पूरा 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे दंतेवाड़ा के गीदम और बालोद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार हो ही जाता है। जी, आज हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वो दो जगह दंतेवाड़ा गीदम और बालोद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे दोनों क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, श्री महेश कश्यप जी बस्तर में और कांकेर से हमारे भोजराज नाग जी हैं, दोनों के समर्थन में लोगों से आशीर्वाद मांगेंगे। सर, कल आपने विशाल रोड शो किया और आज राहुल गांधी यहां सभा लेने आ रहे हैं। अब चुनाव का समय है, सभी लोग आएंगे। जिनके भी कैंडिडेट हैं उनके बड़े नेता समर्थन में आएंगे ही, लेकिन आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहे कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पर बंटाधार ही होता है कांग्रेस का। सचिन पायलट तो कह रहे हैं ऐतिहासिक जीत होगी, कवासी लगेगा। वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। बस्तर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लाखों लोग, आपको बता दें कि कोरोना के कारण मारे गए, हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे, केंद्र की सरकार ने किसी की कोई भी मदद नहीं की, पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दे देते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। पीएम मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। रीवा में खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं घटनास्थल पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला भी पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चा हमारे बीच सकुशल वापस आ जाए। NDRF की टीम ने 45 फीट जमीन के अंदर खुदाई कर चुकी है और बोरवेल तक जाने के लिए जो 10 फीट खुदाई करनी थी उसमें आधी दूरी तय हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। अभी हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि बच्चा सकुशल हमारे बीच में आ जाए। NDRF की टीम 45 फीट
जमीन के अंदर जाने के बाद 10 फीट हॉरिजेंटल जहां पर वो बोर है ठीक उसके नीचे पहुंचने के लिए 10 फीट उनको और हॉरिजेंटल खुदाई जो करना था उसमें आधी दूरी वो तय कर चुके हैं, आधी जो बची है वो 2-3 घंटे के अंदर वो पूरा करेंगे। उसके बाद वहां से बच्चे को निकालने के प्रयास वो करेंगे। एक्सपर्ट टीम है ये और ये जितना कुछ भी बेहतर हो सकता है वो कर रही है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर कल शाम को 4 बजे से लेके और लगातार एक पैर पे खड़ा होके इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है। इस क्षेत्र के जो हमारे विधायक जी हैं सिद्धार्थ जी वो भी कल शाम को 4 बजे से लेके अभी तक रात भर यहाँ पर खड़े होके इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार फ़ोन से संपर्क में हैं और जितना बेहतर हो सकता है उस बच्चे को जीवन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उस बच्चे को जब तक NDRF की टीम उस बच्चे तक न पहुँच जाए उसकी सांसें चलती रहें। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितने घंटे लग सकते हैं? जैसा हमने बताया कि अभी 2-3 घंटे 4 घंटे तो लगेंगे ऐसा NDRF की टीम ने बताया है। हम देखिए ये बड़ी गंभीर घटना है और दूसरा ये है कि अब वो हम सब तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बच्चा बच जाए और उसकी माँ बेचारी बदहाल है एकदम होश में ही नहीं है और पता नहीं कैसे ये बोरवेल यहाँ पर खुला था जबकि शासनगत ये नियम है कि बंद रहता है जहाँ भी बोरवेल। अब जैसे कई बार घटनाएं हुई तो ये रहता है कि बंद रहना चाहिए, पता नहीं कि कैसे क्या घटना हुई बच्चा उधर कैसे गया जबकि ये तो खेत है और ऐसा कोई यहाँ बस्ती भी आसपास नहीं है कि बच्चा वहाँ पर जाके गिर जाए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है। अब हो गया, प्रशासन अपनी तरफ से लगा है और कलेक्टर मैडम भी पूरा प्रयास कर रही हैं, अच्छा काम है उनका, अब देखिए कब तक सफलता मिलती है। परिवार से चर्चा किया तो किस तरह? हाँ, परिवार तो बहुत दुखी है और खेत जो है तो किसी भाजपा नेता की ज़मीन है। अब ये उनकी भी थोड़ा सा गलती है कि भाई उन्हें अगर उन्होंने बोरवेल करवा रखा है तो उसको ढक के रखना चाहिए। अब इस तरह की घटनाएं होंगी तो छोटा सा बच्चा है वो किस तरह से बेचारा, भगवान ही हैं जो उसकी रक्षा कर सकते हैं, कोई चमत्कार हो जाए बहुत अच्छा। हम लोग तो यही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन काम तो कर रहा है, क्या कह सकते हैं। बच्चे किस तरह से गिर गया था बोर में? बच्चे वो हार्वेस्टर चल रहा था तो वो गेहूं बिन रहे थे, बोर खुला हुआ था तो उसी में गिर गए। कितने घंटे हो गए अभी? कितने घंटे हो गए अभी? ये कल की बात है 3 बजे। डॉक्टर KB पटेल, BMO त्यौथार। अभी जो स्थिति बनती है तो किस तरह से आप लेके जाते हो और कहाँ पे स्वास्थ्य? जैसे ही बच्चा रेस्क्यू होगा सबसे पहले बच्चे को अपन ALS एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे अपन जो ALS एम्बुलेंस है यहाँ पे अपने पास इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं कि वेंटिलेटर की सब सुविधा है। फिर यहाँ से अपन लोग बच्चे को मैनेज करते हुए फिर सिविल हॉस्पिटल त्यौथार ले जाएंगे, फिर वहाँ पे जैसी भी कंडीशन रहेगी फिर आगे की ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। जिस तरीके देखने को है कि बच्चा भी 18 घंटे हो गए, स्थिति क्या लग रही है? हम लोग निरंतर कल जैसे ही पता चला है बच्चे को 4 बजे से निरंतर ऑक्सीजन की मात्रा प्रवाहित की जा रही है, अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा भी पर्याप्त है, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिल रहा है। राजद के परिवर्तन पत्र पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा ये कैसा गठबंधन है, गठबंधन की रैली में एक महिला जो राजनेता भी नहीं है वो आती है और 6 गारंटियों की घोषणा कर देती है। उनका काम इतना है कि वे केवल कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, किसी पद पर नहीं है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव अपना घोषणा पत्र लेकर आ गए हैं, टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो कैसा गठबंधन है, गठबंधन की रैली होती है तो जो राजनीति में नहीं वो महिला आकर घोषणा कर देती है 6 गारंटी की। उनका काम केवल इतना है, वो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, किसी पद पर नहीं। लेकिन वो गठबंधन की रैली में अपना गारंटी देकर चले जाती है, ममता बनर्जी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाती है, अब लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी अपना घोषणा पत्र लेकर आ जाते हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई,
अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है, भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना। मैहर जिले के प्रवास पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के चुनाव आयोग के पक्षपात रवैये वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा, हमारी संस्थाओं को अपमानित करने का काम आपातकाल लगाने वाले लोग संस्थाओं के स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाए, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक घटना नहीं है। हमारी संस्थाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस करती रही है। आपातकाल लगाने वाले लोग संस्थाओं की स्वतंत्रता पर प्रश्न लगाएं, इससे ज्यादा और कोई शर्मनाक घटना नहीं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है, भाजपा नेता 10 साल में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उनका चुनाव प्रचार भी मुद्दों से हटकर जज्बातों वाले मुद्दों पर, आपको बता दें कि धर्म, मंदिर, मस्जिद पर केंद्रित रहता है। हम छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अच्छा। संबोधित करेंगे सर, लोकसभा चुनाव है, कवासी लखमा जी के लिए कैंपेनिंग करेंगे। जो फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन हैं उसमें हमारे राय छत्तीसगढ़ में एक ही सीट पर चुनाव है, बस्तर में, और बस्तर लोकसभा क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। इस बार हम लोगों ने कवासी लखमा जी को उम्मीदवार बनाया है, और वो पुराने नेता हैं, आदिवासी समाज के मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनकी अलग पकड़ है। और जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके बारे में सब जानते हैं, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये चुनाव जो शुरुआत हो रही है बस्तर से हो रही है, महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि कवासी लखमा जी, हमारी पार्टी मिलकर लोगों में एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं के भाषण में सुन रहा हूं, मुख्यमंत्री 4-5 बार यहां पर आ गए, बड़े बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि 10 साल से हम लोगों ने क्या किया है। वो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। उनका जो इशू स्टेट के हैं, जो देश में नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का, आदिवासी पिछड़े वर्गों का जो हाल है, चर्चा नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर आंकड़े दिखाने को मना करते हैं, और जो उनका चुनाव प्रचार भी है वो मुद्दों से हटकर इमोशनल इश्यूज को, जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इस पर केंद्रित करते हैं। तो मुझे लगता है जनता भी समझ गई है कि 10 साल का इनको परफॉर्मेंस देख चुके हैं, और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे प्रदेश में मुझे दिख रही है। 4 महीने इस नई सरकार को बने हो गए हैं, और न सिर्फ यहां पर हिंसा में वृद्धि हुई है, जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अनइम्प्रेसिव और एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अभी तक साबित हुई है। 4 महीने का समय ज्यादा नहीं होता, लेकिन अभी से लोगों के अंदर एक ऐसा एहसास हो रहा है कि भाजपा को वोट देकर उन्होंने न्याय नहीं किया, और हमारी सरकार जो पहले थी अच्छा काम किया, अच्छी पॉलिसीज थे, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। वोट शेयर का गैप बहुत ज्यादा नहीं है बीजेपी कांग्रेस का विधानसभा चुनावों में, और इसलिए मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे सभी 11 सीटों के ऊपर। लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 8 खजुराहो अंतर्गत विधानसभा पवई मुख्यालय में जनपद पंचायत पवई व पुष्पेंद्र पटेल विधानसभा संयोजक ने विधानसभा अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जनपद अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा व पुष्पेंद्र पटेल विधानसभा संयोजक के नेतृत्व में श्रीमती देवी खटीक सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इसी के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर में भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाएं एवं संपूर्ण भारत देश में आतंकवाद को समूल समाप्त करने की जानकारियां देते हुए पत्र बांटे तथा सभी नागरिकों को मोदी जी की तरफ से राम राम की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैम, आज आपने कौन कौन से गांव में जनसंपर्क किया? देखिए, आज बहुत सी ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क हुआ है, और बुधेड़ा ग्राम पंचायत में चौमुखा ग्राम में आज बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है, और आज सभी कार्यकर्ताओं का आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, और इस परिवार में आपका
आगे कार्यकाल में जो लोकसभा है आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इस पार्टी से आज जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, इस चुनाव में कैसा लग रहा है कि कितने अच्छे तरीके से बीजेपी आएगी? देखिए, चुनाव तो एक तरफा है, फिर भी पार्टी का मानना है कि आप घर घर जाइए और पूरे जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी लोग हर ग्राम पंचायत जा रहे हैं और मोदी जी की राम राम सभी को कह। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भटगांव के मनरेगा मजदूरों ने आज जेवरा सिरसा चौकी का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा भी शामिल हुई। आपको बता दें कि विधायक ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सिरसा थाने का घेराव भी किया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भटगांव में मनरेगा के तहत चल रहे कार्य को कुछ लोगों ने SDM को आवेदन देकर काम पर रोक लगवा दी थी, जिससे आक्रोशित होकर ग्राम पंचायत के मनरेगा मजदूरों ने पुलगांव थाना अंतर्गत आने वाले जेवरा सिरसा चौकी का घेराव कर अपनी मांगों को रखा। मेरा जनसंपर्क प्रारंभ है, मैं परसों भटगांव जनसंपर्क में गया था और वहाँ माता बहने हमें एक शिकायत मिली कि मनरेगा को रोकना चाहता है, काम नहीं करने देते, काम को बंद करा देते हैं। तो मैं वहाँ पर आश्वासन दिया था कि अब काम बंद नहीं होगा और मनरेगा का काम शासकीय काम है, शासकीय काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे, ये मैंने कह के आया था। जैसे ही आज मैं तैयार हो रहा था तो भटगांव से फ़ोन गया और फ़ोन पर बताया गया कि मनरेगा का काम रोक दिया गया है। तो मैंने ये लोग बोले ना थाना आ रहे हैं हम लोग सब लोग, तो मैं भी आ रहा हूँ थाना, चलो हम एक साथ बैठेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। निश्चित तौर पर CO साहब पांडे जी आए हैं और उनके रूप से ये निर्देश हुआ है कि ये काम नहीं रुकेगा, कार्य प्रारंभ होगा मनरेगा का, मजदूरों का मजदूरी मिलेगा, उनके जीकर का पालन जो हो रहा है मजदूरी के माध्यम से वो जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश दिए हैं और हमारे आरक्षण अधिकारी यहाँ का आश्वासन दिए हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको उनके पास FIR दर्ज होगा। दो मिनट बता रहा हूँ, निकल रहे हैं क्या? निश्चित तौर पर ये दो काम जो आज हमारे शासन प्रशासन की ओर से किया गया है उसके लिए मैं अधिकारियों को, CO साहब को और हमारे कलेक्टर महोदय को, SP साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सहयोग किए और मेरे जिस तरह से निवेदन है उसको स्वीकार करते हुए अपने अधिकारियों को यहाँ पर भेजे हैं और अधिकारी ने मेरी बातों को सुन करके निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और भविष्य में ऐसा काम ना हो जिसे मुझे थाने में आके बैठना पड़े। मैं निश्चित तौर पर अपने सेवक के नाते अपने मजदूरों के साथ खड़ा हूँ और निरंतर खड़ा रहूँगा। आज हमारे गाँव के पूरा नागरिक मन, मजदूर मन, मनरेगा के ये जेवरा चौकी में आए हैं कि तीन जो व्यक्ति है गांव के वो बार बार शासकीय काम में बाधा पहुंचाते और मनरेगा जो भारत सरकार के योजना है जिला गरीब ला काम मिलना चाहिए वो काम ला बाधित करके काम करते। हमारे गांव में शमशान घाट जाए पर रास्ता नहीं है तो मनरेगा के तहत हम रास्ता बनाए जाते, लेकिन तीन जो व्यक्ति है वो बार बार रास्ता ला बाधित करते और सरकारी काम ला बाधित करते, अगर से बड़ा परेशान हो गए हैं। बार बार कभो CO कर जाते, कभो कलेक्टर कर जाते, कभो SDM कर जाते और काम ला रोज रोज बाधा करते थे, तो ओकर से आज हमार दाई महतारी सब परेशान होके ये जेवरा चौकी में आके बैठे हैं ताकि हमला न्याय मिले की के। तो अभी अधिकारी मना है, हमारे विधायक महोदय भी हमारे साथ अब है कि देखते ना आगे का हुई, अगर नहीं हुई तो भाई फिर सरकार के पास जाबो, एक तो मनरेगा के काम लाते दे मत हमन काम नहीं करन। ये सब वो मन जमीन ला कब्जा करे चक्कर में कुछ नहीं, ग्राम पंचायत विकास के काम करते विनाश के काम नहीं करे, जब ग्राम पंचायत और मनरेगा में काम कराते तो विकास के काम कराए, केवल जमीन ला हथियार चक्कर में। देखिए, ये एक सड़क का मामला था भटगांव गांव के और ये शमशान घाट के लिए एक मिट्टी सड़क स्वीकृत हुई थी, तो किसी कारण से वो सड़क में मिट्टी डल नहीं पा रहा था, एक साइड निजी जमीन है और एक साइड वृक्षारोपण स्थल है। हमने विधायक जी के साथ निरीक्षण किया है स्थल का
और निरीक्षण के उपरांत वैकल्पिक व्यवस्था मिट्टी की हो गई है और काम आज से चालू हो गया है। सर ये पहले उपवन भी था, अभी भी उपवन जहां खुदाई हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा? ये उपवन में खुदाई का जो तरीका है वो आप स्वयं देख रहे हैं कि सीपीटी नुमा खुदाई हो रही है और सीपीटी कैटल प्रोटेक्शन ट्रेंच होता है, इसके साथ ही ये WAT का भी काम करेगा और ये हानिकारक तो नहीं है और खुदाई का तरीका अगर इससे विपरीत होता तो हानिकारक हो सकता था। सर सीपीटी गड्ढा कितना वो होना चाहिए? अभी तो जिस हिसाब से दिख रहा है वो 2 फीट से कम है। सीपीटी गड्ढा जो है वो 1 मीटर का होना चाहिए गहराई। अभी पूर्ण खुदाई हुआ नहीं है, पूर्ण खुदाई हो जाएगा तो 3 फीट। बेमित्रा कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रणवीर शर्मा ने चंद्र कुमार उर्फ शेखर को जिला बेमित्रा और सीमावर्ती जिलों से आगामी 6 माह के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि जिला दंडाधिकारी ने राजनांदगांव सहित जिला बेमित्रा से स्थगन आदेश जारी कर जिला बदर की कार्रवाई की है, जिसमें आदेश जारी करते हुए बेमित्रा एवं जिले की सीमा में प्रवेश करने को कहा गया है। इस आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न आपराधिक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त 7 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही 4 व्यक्तियों को आपको बता दें कि 4 व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिले की तहसील जावर के ग्राम आमला मज्जू बांदरिया हाट बांदरिया जोड़ एवं ग्राम झिल्ला में ओलावृष्टि हुई है। उक्त ओलावृष्टि एवं तेज हवा से कुछ घरों के चद्दर उड़े व कबेलू भी फूटे हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान किसानों की प्याज की फसल भी प्रभावित हुई है।